अपनी हालत उनकी ये है कि पैसे की इतनी किल्लत है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना घर भी अब किराए पर देने की नौबत आ गई है। कितना पैसा सदन में बह रहा है अगर कामकाज नहीं हो रहा है, हर मिनट का 2.5 लाख रुपए। कहते हो कि कश्मीरी हमारे होने चाहिए, लेकिन जो उनके साथ वादे किए जाते हैं उन पे आप कहते हो वक्त की पाबंदी लगी हुई है। वो नहीं 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 ये मत मैं कर रहे हैं, या पापड़ी चाट बना रहे हैं, चाय की चुस्की और पापड़ी चाट, चाय नाश्ते पर बुलाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शांतनु नहीं कह रहे, बहुत से लोग कहते हैं कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिक्स। हर हफ्ते की तरह बात इस हफ्ते भी गोदी मीडिया में घटे कुछ मजेदार किस्सों की करते हैं। संसद में विपक्ष किसान बिल, महंगाई और पेगासस जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। इसी के चलते संसद की कार्रवाई कई बार रोक दी गई। इस पर मीडिया ने संसद की एक मिनट की कार्रवाई पर कितना खर्च आता है इस पर डिबेट करना शुरू किया, लेकिन इस पर आंकड़े मेल खाते हुए नहीं दिखे। संसद की एक मिनट की कार्रवाई पर करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। इतना पैसा आखिर बर्बाद होता है जब कार्रवाई स्थगित होती है, 1 मिनट में 1.25 लाख रुपए। कितना पैसा सदन में बह रहा है अगर कामकाज नहीं हो रहा है, हर मिनट का 2.5 लाख रुपए। अक्सर मीडिया के अलग अलग चैनलों पर डिबेट एक जैसे मुद्दों पर होती है, अभी भी डिबेट का मुद्दा एक है और आंकड़े अलग अलग। लोग अब अलग अलग तरह से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ चल रहे अनोखे प्रदर्शन के बारे में आपने अगर नहीं सुना तो अब सुनिए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, ऐसे नहीं पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अब टूटी सरकार को लेकर कुछ लोग गाकर जनता को समझा रहे हैं, आप ये भी सुन ही लीजिए। हमारे मीडिया को देश की चिंता से ज्यादा तो पाकिस्तान की चिंता रहती है। अब जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी का शो देखिए, इसमें वे इमरान खान के बंगले की बात कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपना सरकारी बंगला किराए पर देने के लिए मजबूर हो गए हैं। अपनी हालत उनकी ये है कि पैसे की इतनी किल्लत है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना घर भी अब किराए पर देने की नौबत आ गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस बंगले को अब शादियों के लिए, फैशन शोज के लिए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए किराए पर दिया जाएगा ताकि कुछ पैसा कमाया जा सके। पहले इस बंगले को एक यूनिवर्सिटी में बदलने की योजना थी, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से इसे आम लोगों को किराए पर देने का ऐलान किया गया। ऐसा शायद दुनिया में पहली बार हो रहा है जब किसी मौजूदा प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को किराए पर दिया जाएगा। इसलिए हमारे जो दर्शक पाकिस्तान में हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई शादी ब्याह बहुत जल्दी करना है, अगर आपको कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो ये आइडिया बड़ा अच्छा है कि आप वो शादी अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर पर आयोजित कर सकते हैं। मीडिया महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात ही कब करता है, और अगर विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा करे भी तो सवाल विपक्ष से ही होने लगते हैं। मीडिया किन मुद्दों में ज्यादा व्यस्त रहता है आप खुद ही देखिए। डेरिक ओब्रायन तो कह रहे हैं कि हम सदन में बिल पास कर रहे हैं या पापड़ी चाट बना रहे हैं, चाय की चुस्की और पापड़ी चाट, क्योंकि क्या कहा डेरिक ओब्रायन जी आपने? राहुल गांधी ने कल सुबह विपक्षी नेताओं को चाय नाश्ते पर बुलाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शांतनु नहीं कह रहे, बहुत से लोग कहते हैं कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। इस बैठक में क्या कोई नई सियासी खिचड़ी पकड़ने वाली है? ये कोशिश हो रही है कि जिस विपक्षी बिखराव पर आप लोग हमेशा मुस्कुराते थे, जैसा कि आप अभी मुस्कुरा रहे हैं, उस मुस्कुराहट को रोक दिया जाए। विपक्ष संसद के बाहर अपनी पैरेलल पार्लियामेंट, पैरेलल संसद चलाने के मूड में आ गया है। क्या परोसेंगे नाश्ते में राहुल गांधी? नाश्ते का मेन्यू परेशान कर रहा है समृद्ध जी को। सवाल ये है कि जब तक कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं हो सकता, तब तक सिर्फ चाय नाश्ते से क्या बात बनेगी? पलायन करवाने की एक सीरियल साजिश चल रही है, और उत्तर प्रदेश में मतलब रहने की आजादी भी नहीं है क्या? 3 गुना 4 गुना कीमत पर धीरे धीरे इलाके पर एक तरीके से मजहबी कब्जा हो रहा है। नाविका द्वारा लिया गया उमर अब्दुल्ला का इंटरव्यू मीडिया में काफी सुर्खियों में है।
आप इस इंटरव्यू का वो भाग देखिए जिसमें उमर अब्दुल्ला ने नाविका को करारे जवाब दिए। मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में पार्लियामेंट में क्या कहा। उन्होंने कहा आर्टिकल 370 का इरोजन हो रहा है और हमें इसे बरकरार रखना चाहिए, इसे इरोड होते देना चाहिए। अगर के 370 को इरोड किया गया जो आप कहते हो, तो फिर हटाने की क्या जरूरत? अगर 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 उसमें कुछ था ही नहीं तो फिर आपको हटा के मिला क्या? आप दोनों, आपको दोनों चीजें चाहिए। जब मैं जाती हूँ कश्मीर तो मुझे लगता है कि ये हमारे ही लोग हैं। कश्मीरियों को ऐसा क्यों नहीं लगता कि ये सब भी हमारे ही लोग क्योंकि हैं? आपने क्योंकि कभी उनको नहीं अपनाया। लेकिन कभी तो शुरुआत करनी आपने जो पड़ेगी। उनके साथ वादे किए तो नहीं, नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। आप कहते हो कि कश्मीरी हमारे होने चाहिए, लेकिन जो उनके साथ वादे किए जाते हैं उन पे आप कहते हो वक्त की पाबंदी लगी हुई है। वो नहीं 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 ये मत। मैं आप जब कहते हैं कि आर्टिकल 370 से हमें प्रॉब्लम है, कब का आर्टिकल 370 से हमें प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे था वैसे छोड़ दिया होता। आप खुद मीडिया को लेकर क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए पंजाब टुडे के साथ। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.